वन महोत्सव के दौरान रोपे गए पौधों के साथ विरासत वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, जिसके लिए वन विभाग रक्षा बंधन के दिन 22 से 29 अगस्त तक मुहिम चलाकर विरासत पौधों के संरक्षण की शपथ ली जाएगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शुरू मुहिम में वन विभाग अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर रविवार को सूबे में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी मुहिम का आगाज किया गया है। 22 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस मुहिम में वन महोत्सव के दौरान रोपे गए पौधों के साथ विरासत वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा गया, जिसके संबंध में DFO अविनाश कुमार का कहना है कि पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधने के साथ इस संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जनपद के 19 विरासत वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा गया है। इसके अलावा जनपद के अन्य वृक्षों को भी चिन्हित कर उनके संरक्षण के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाएगा तथा लोगों को वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने कहा, सर आज रक्षाबंधन लिया है, कुछ विरासत बीच भी है, जनपद ने अपने लिए उसको संरक्षित भी करना है, तो उसको लेकर रक्षा सूत्र बांधने का ये प्लान काम होगा, तो क्या प्रोसेस? देखिए, गोरखपुर जनपद में 19 विरासत वृक्ष चुने गए हैं, जिसमें धार्मिक एवं ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है इन पेड़ों का। उसी को देखते हुए आज राखी के शुभ अवसर पर इन वृक्षों को रक्षा सूत्र कार्यक्रम एक बनाया गया, जहां पर वृक्षों से राखी बांध करके उनकी रक्षा और उनकी देखरेख के लिए जनमानस को प्रोत्साहित किया गया है। और ये कार्यक्रम 29 तारीख तक चलता रहेगा, और सभी लोगों से हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि वो आगे बढ़ करके पेड़ को एक राखी बांधें और एक उनकी देखरेख एवं पर्यावरण के लिए जो भी हितकारी कदम हो सकते हैं वो उठाएं। सर अभी तो 19 वृक्ष हैं, तो कुछ और वृक्ष चिन्हित किया है? जी, गोरखपुर में टोटल हम लोगों ने 29 वृक्ष का ऑलरेडी भेजा हुआ है रिकॉर्ड्स, जिसमें से 19 चयनित हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग 10 पे भी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा भी अगर कहीं से फील्ड से कोई सूचना आती है कि ये एक और वृक्ष जिसका एक विरासत महत्व है, एक कोई ऐतिहासिक या पौराणिक या धार्मिक सिग्निफिकेंस है, उन वृक्षों को भी हम लोग विरासत वृक्ष की सूची में डाल रहे हैं। तो आज सर किस किस रेंज में आप कहेंगे? आज ये कार्यक्रम बांसगांव, बढ़लगंज, तिलकुनिया, सहजनवा, फरिंदा, कैंपियरगंज, 11 रेंजों में, हर रेंज में ये कार्यक्रम हुआ है, और ये कार्यक्रम अगले एक सप्ताह तक चलता रहेगा।